गोरखपुर शहरवासियों को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जो गोरखपुर शहरवासी मुंबई और गोवा जाके आनंद लेते थे, अब गोरखपुर के रामगढ़ताल में इसी क्रूज से गोरखपुर शहरवासी रामगढ़ताल पर आनंद लेंगे। आप वीडियो कर देखिए, पूरा एक क्रूज यहाँ बनाया गया है। लगभग 2 फ्लोर है, हम लोग टॉप फ्लोर के ऊपर है। यहाँ कुर्सियां लगाई गई है लोगों के लिए, नीचे भी रेस्टोरेंट है। और सबसे बड़ी बात है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद गोरखपुर शहरवासियों के लिए खुल खुल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ फर्श देखिए, मैट पूरा बिछाया गया है। वो हर सुविधा यहाँ है जो किसी एक होटल में मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर शहरवासियों को क्रूज का आनंद। कभी गोरखपुर शहरवासी सोच रहे थे कि कभी रामगढ़ताल में क्रूज चलेगा, लेकिन अब क्रूज की बन गया है। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा क्रूज संचालन हो जाएगा। यहाँ कुछ लोग हैं आनंद भी ले रहे हैं और ऊपर बैठे भी आए जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संतोष शुक्ला। संतोष जी, अगर बात करें, आप अभी यहाँ टहल रहे हैं, कैसा आनंद महसूस हो रहा है क्रूज का? बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। गोरखपुर के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे शहर में लेक क्वीन नाम का क्रूज बन के तैयार है, जो जल्दी जनता की सेवा के लिए खोल दिया जाएगा। 3 तल हैं इसमें, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और रूफ टॉप है। सारे लोगों के लिए 150 लोग इसमें एट ए टाइम सफर करेंगे। और आपको सुबह के समय चाय और कॉफी, दोपहर के समय लंच और रात में रात का भोजन, तीनों चीज की व्यवस्था है। और अंदर स्क्रीन एलईडी लगी हुई है, म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हैं। हर प्रकार की बर्थडे पार्टी और सारी सुविधाओं के लिए आपका ये तैयार क्या आप बता सकते हैं कि क्या चार्जेस, क्या पर प्रति व्यक्ति कुछ चार्जेस के बारे है। में? जी, चार्जर इसका करीब आपके सुबह के समय 800 रुपये से लेके रात में 2000 रुपये के क्या घंटे पर करीब, होता है निर्धारित? 2 घंटे का। एक बार आप इसमें आएंगे, 2 घंटे के लिए है पर ये। आदमी? हाँ, एक आदमी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में आपका हाई टी है, जिसमें चाय कॉफी होंगे, और लंच और डिनर के समय लंच और डिनर मिलेंगे अच्छा, आपको। आप लोग साक्षी बन रहे हैं इस क्रूज पर, जैसे स्टार्टिंग जो आप लोग मेहनत किया, क्या लग रहा है गोरखपुर शहरवासियों के लिए, कितना उत्साहित है? इसको लेके बहुत उत्साहित हैं और हम लोग अभी इसको संभाल नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और प्रबंध करना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी लोगों का उत्साह है, आए दिन ही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो काम चल रहा है, बहुत बेहतर है, हम और क्या लगता बेहतर है, भी गोरखपुर करेंगे। शहरवासी कभी सोचे थे कि रामगढ़ताल में क्रूज चलेगा? नहीं, गोरखपुर में कभी नहीं किसी ने सोचा था। ये भारत सरकार की और भाजपा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक थी। इसका टेंडर डाला गया, हम लोगों ने लिया, फिर इसमें सरकार का बहुत सहयोग रहा, जीडीएमसी साहब का सहयोग रहा, डीएम साहब का सहयोग रहा, सभी लोगों ने अपना अथक सहयोग दिया। और उनके सहयोग के बाद ही ये बन के आप लोगों के लिए तैयार हो पाया है। कितना पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पर्यटकों को बढ़ाने के लिए, जो कि ये जेटी नौका विहार ही अपने आप में बहुत समय दिया जा रहा था लोगों का, पब्लिक आ रही थी, फव्वारा चलते हैं, म्यूचुअल फाउंडेशन वगैरह है उसमें, उस कड़ी को बढ़ाते हुए ये माइलस्टोन साबित होगा गोरखपुर के लिए, मील का पत्थर साबित होगा और बहुत बेहतर ही रहेगा ये। प्रशांत और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है, अपना परिचय बताइए। कुमार सिंह, गोरखपुर में ही का निवासी हूँ। और ये गोरखपुर वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम यहाँ पे क्रूज का शुरुआत हो रही है और आसपास के लोगों में बहुत उत्साह का माहौल है ये, और बहुत खुशी का माहौल है। पिछले 1 साल से हम लोग की तैयारी चल रही थी, क्रूज का निर्माण यही मोहद्दीपुर में ही किया जा रहा था और ये सारे सभी एक लंबा मेहनत के बाद ये क्रूज तैयार हुआ है। और बहुत खुशी की बात है कि सारे लोग, एक पर्यटन को बहुत बूस्ट मिल जाएगा, गोरखपुर में पर्यटन बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा और इसमें सरकार की भूमिका बहुत अग्रणी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में ये सब कुछ हो रहा है और बहुत भारत की, गोरखपुर की जनता जो है वो बहुत खुशनसीब है कि हमारा क्रूज हम लोग के आंखों के सामने, हम लोग को इस पूरे पूर्वी उत्तर पूर्वांचल, बनारस के बाद ये दूसरा है जो यहाँ पे शुरू हो रहा है। और यहाँ पे सभी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं इस क्रूज पे सभी उपलब्ध हैं जिसको हम लोग ले सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खुशी की लहर भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बाहर जाते थे मुंबई और गोवा क्रूज का आनंद ले रहे, अब गोरखपुर कम पैसे में ही इस रामगढ़ताल पे आनंद लेंगे। और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हैं, तब से गोरखपुर में विकास ही विकास हो रहा। कभी कोई गोरखपुर शहरवासी सोचा नहीं था कभी इस रामगढ़ताल में क्रूज चलेगा। अजीत सिंह, न्यूज 24, गोरखपुर।